ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 7 Permutations, Combinations and Probability जिसमें कि आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उनमें पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशंस का और दूसरा है रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशंस का यानी अगर हम फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करें जो कि कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स और r स्पेसेस हो उनको अरेंज करने की कि उसमें जो हमारा रिपीटिशन है वो नहीं होनी चाहिए तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बन सकते हैं ठीक है इसको हम फाइंड कर सकते हैं देखें अब n c r जो है इनमें से किस रिलेशन के बराबर हो सकता है यहां पर हम जो हिट एंड ट्रायल मेथड या इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि n की वैल्यू को खुद से सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो ठीक है और 3 ही स्पेसेस हो जैसे अगर एक ट्रायंगल के हवाले से मैं बात करता हूं तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स यानी ए बी सी 3 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और 3 ही कोने हैं ट्रायंगल के तो एक हमारे पास वे बन सकता है इसका यानी इसका कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास 1 अगर यहां पे 3c3 लिखूंगा तो 1 आएगा अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो ये रिलेशन है हमें 1 आंसर देता है अगर n यहां पर हम 3 रख लें ठीक है और r भी 3 हो और फिर यहां पे देखें तो n माइनस आए तो 0 हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा इसका मतलब ये हम रिलेशन नहीं रख सकते ठीक है b के ऊपर आ जाते हैं 3 फैक्टोरियल जो कि 6 के इक्वल है मैं यही वैल्यू सब में पुट करके देख रहा हूं ठीक है ओवर 3 माइनस 3 0 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है और हमारा आंसर 6 आ रहा है जो कि रॉन्ग है क्योंकि यहां हमारा आंसर क्या आ चुका हुआ है 1 ठीक है इससे ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन सी ऑप्शन को देख लेते हैं इसमें अगर 3 फैक्टोरियल लिखा जाए जो कि 6 आएगा r फैक्टोरियल जो कि 6 आएगा और फिर 3 में से मतलब n 3 है चूंकि उनमें से 1 माइनस करें 2 फैक्टोरियल जो कि 2 के इक्वल है 6 6 से कैंसिल और हमारा आंसर 1/2 आएगा जो कि नहीं है 1 के बराबर इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है डी ऑप्शन को देखते हैं देखें इसमें अगर आप n की जगह 3 लिखते हैं 3 फैक्टोरियल 6 आ गया फिर r फैक्टोरियल भी 6 आ गया और n माइनस r 0 आता है और 0 का फैक्टोरियल होता है 1 तो यहां पर आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारे लिए क्या है जी बेस्ट ऑप्शन है और इस रिलेशन के लिए ncr के लिए जो फार्मूला इसका बन जाएगा इसकी एक्सपेंशन जो बनेगी इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि n फैक्टोरियल लेंगे डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल लेंगे और फिर मजीद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे n माइनस r फैक्टोरियल से जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि है 4c4 यानी 4 ऑब्जेक्ट्स हो अगर और 4 ही स्पेसेस हो तो इसका आंसर क्या आएगा जैसे भी मैंने सॉल्व किया था कि 3c3 के लिए इससे पिछले एमसीक्यू में तो 1 आंसर आया था तो यहां पर भी हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल यही बात अगर एक क्वाड्रिलेटरल की हम एग्जांपल लें ठीक है इसके 4 वर्टिसेस हैं और अब मैं जो लेबल जब करता हूं एक क्वाड्रिलेटरल को तो मेरे पास चूंकि 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी तो मैं इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक ही कर सकता हूं या ए बी सी और डी लिख दूं यानी अगर फर्ज करें मैं इसको एक डिफरेंट अरेंजमेंट कहता हूं कि मैं डी यहां पे और सी यहां पे कॉम्बिनेशन के रूल के हिसाब से इसे हम एक डिफरेंट वे नहीं कह रहे ठीक है ये एक ही उसमें एक ही वे में आ रहा है इसलिए यहां पर हम सी और डी लिख लेंगे ठीक है परम्यूटेशन में हमारे पास ये बहुत से इसके वेज बन सकते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन के लिहाज से ये एक ही हमारे पास फॉर्मेट होगा या एक ही वे होगा लिखने का अरेंजमेंट करने का ऑब्जेक्ट्स को तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी के द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 12 साइडेड फिगर इज यानी अगर एक क्लोज्ड फिगर हो जिसकी 12 साइड हो तो इसे हम 12 गॉन भी कहते हैं ठीक है अब इस फिगर में कितने डायगोनल्स होंगे याद रहे कि डायगोनल जो होता है अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं ठीक है तो इसमें अगर ए बी आप देखें तो ये डायगोनल नहीं है ये एक साइड है लेकिन अगर ए को मैं सी से ज्वाइन कर देता ठीक है
इस तरह से, तो ये मेरे पास एक डायगनल ड्रॉ हो जाता, ठीक है। तो अब एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास, यानी जिसमें चार साइडें हों, ठीक है, तो उसमें एक डायगनल आ रहा है। अब इसी तरह अगर 12 साइडेड फिगर बनेगी तो उसमें कितने डायगनल बन सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम जो नंबर ऑफ वेज, डिफरेंट वेज जो निकालने का तरीका है, यानी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का मेथड है, उसको हम यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास 12 पॉइंट्स हो, चूँकि 12 अगर मतलब साइडेड फिगर है, तो जाहिर बात है 4 साइडेड फिगर थी तो 4 उसके पॉइंट्स थे, इसका मतलब 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से कि हर दो पॉइंट को मिलाने से एक साइड बनती है, और डायगोनल भी बेसिकली एक लाइन सेगमेंट ही है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि इससे टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स बनेंगी, जिसमें ऑल साइड्स भी शामिल होंगी और ऑल डायगनल्स भी शामिल होंगे। तो हम जब इस कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड करते हैं, यानी 12 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 फैक्टोरियल लिखेंगे और 12 का 2 से डिफरेंस लेंगे 10 फैक्टोरियल। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है जी 12 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 12 × 11 × 10, 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 ही के बराबर है, और यहाँ पर आ जाएगा जी 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को आप 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं, और ये 2 12 को कैंसिल कर देगा, 6 आ जाएगा, तो 6 और 11 का प्रोडक्ट होता है 66, ठीक है। अब हमारा जो जवाब है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मतलब 66, तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि टोटल साइड्स आ रही हैं, इसी ऑप्शन ए पे नहीं हम जाएंगे, ठीक है। अब 12 तो इसमें मतलब साइड्स हैं और बाकी इसमें डायगनल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगनल्स फिर कितने होंगे जी, उसको फाइंड करने के लिए हम जो है 66 में से माइनस कर देंगे 12 को, तो हमारा आंसर आएगा 54। तो यहाँ पर फिर हम यूँ कहेंगे कि जो नंबर ऑफ डायगनल्स हैं हमारे पास वो कितने हैं जी, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, वो है 54। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। इसमें इस तरह से एक मतलब जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास NCR+NCR-1, ये दोनों सम जो है इनमें से किस जो फार्मूला के हिसाब से हमें वैल्यू देंगे, यानी इसमें से अगर फर्ज करें NCR को एक्सपेंड किया जाता है, जो रिजल्ट N की और R की वैल्यू लिखने से मिलता है, वही क्या इन दोनों वैल्यू को लिखने से मिलता है। अब ये बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखें ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि NCR के बराबर होता है और उसमें कुछ नंबर ऐड हो रहा है, अब ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। कॉम्बिनेशन का आंसर जो है वो जीरो नहीं आ सकता, ये बात याद रहे, वन हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखें अगर सपोज कर लेते हैं हम कि एन जो है हमारे पास अगर 3 हो और आर जो है हमारे पास वो भी चलें 3 हो, तो NCR जो है ये तो 1 के इक्वल आएगा, प्लस NC2 जो है मतलब 3C2, क्योंकि यहाँ पे n की जगह 3, 3C2 का मतलब है 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 3, मतलब 3 − 2 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर 3 आएगा यहाँ, यानी 4 आंसर बनता है। अब हमें देखना है किस ऑप्शन से हमें इसका जो है बेस्ट आंसर मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो ये तो कम आंसर आएगा, देखें 3, चूंकि n 3 है तो ये तो R से लेस हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हम रख सकते, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए सी की, तो सी में N+1 जो है वो बन जाएगा 4 और R-1 वो बन जाएगा 2, तो 4C2 को अगर एक्सपेंड भी करें, अगर हम देखें 4 फैक्टोरियल आएगा, यानी 4 × 3 × 2 × 1 over 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 के इक्वल है, और 4 का 2 से डिफरेंस भी 2 है, यानी 2 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 आता है, 3 × 2 = 6, जबकि हमें 4 चाहिए था, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर डी ऑप्शन का देखें तो N+1 यानी 4C अगर 3 को एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, तो देखें 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 और over 3 फैक्टोरियल मीन 3 × 2 × 1 और 4 का 3 से जो डिफरेंस है वो 1 है, तो देखें 3 × 2 = 1, 3 × 2 = 1 से कैंसिल, 4 आंसर आ जाए, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, डी है सॉरी डी ऑप्शन, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है जी। इसी तरह हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जिसमें कि एन सी
11 जो है वो n c 9 के इक्वल है, तो n की किस वैल्यू से ये रिलेशन बराबर आ जाएगा, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, कि अगर उन्हें हम 11 स्पेसिस पे रखें और या उन्हें हम 9 स्पेसिस पे रखें, हमें जो नंबर ऑफ वेज मिलेंगे डिफरेंट वेज वो एक जैसे मिलेंगे, ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब देखें हम इसमें 9 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 9 रखते हैं तो यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट्स और 11 स्पेसिस, ये तो इम्पॉसिबल है, 10 भी इम्पॉसिबल है 11 से लेस, इसलिए ये दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। अब डी और ए में हमारा डिबेट है। अब 11 सी 11 तो 1 के इक्वल होता है, और 11 सी 9 जो है वो जारी बात है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो वो 1 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 11 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फिर 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल करेगा, और 11 का 9 से डिफरेंस होता है 2 का, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, यानी यहाँ पे हमारा आंसर 55 आ रहा है, तो 1 कभी 55 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अब रह गया पीछे एक ही ऑप्शन जो है 20, तो हम कहेंगे कि डी ऑप्शन, अब यहाँ पे चेक भी करते हैं इसे, मैं इसको अभी बेसिकली सर्कल कर रहा हूँ कि हम देखते हैं, अब देखेंगे 20 अगर सी 11 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगी, और इस तरह 20 सी 9 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आती है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे हम 20 फैक्टोरियल मीन 20 इंटू मतलब 19, फिर 18, 17, ठीक है, 16, फिर 15, 14, और इसको हम 11 फैक्टोरियल तक में लाऊंगा। 11 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि इसका डिवाइजर में 11 आएगा, वो 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 20 का 11 से डिफरेंस होता है 9 फैक्टोरियल। अब इससे ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, जबकि 20 सी 9 में भी अगर आप देखें तो इसमें हम लिखेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, फिर 16, फिर 15, ठीक है, फिर 14, 13, 12, फिर 11, ठीक है, 10, बल्कि 11 फैक्टोरियल तक, 11 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, और चूँकि अब देखें यहाँ पर 20 का 9 से डिफरेंट 11 फैक्टोरियल होता है, वो आ जाएगा, और फिर 9 फैक्टोरियल, तो हमें देखें बिल्कुल सेम रिलेशन मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह आप एक और MCQ सॉल्व करते हैं कि अगर 15C3X और 15CX+3 को बराबर रखा जाए तो इसमें आखिर हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम अगर इसको देखें तो वो हमारे पास जो बनती है इस ऑप्शन के लिहाज से, उसको हम अभी सॉल्व कर लेते जी, ये इसको रिवर्स इंजीनियरिंग से अगर हम देखें, 3 पे मैंने चेक किया था, बाकी वैल्यूज पे आप खुद चेक करेंगे, 3 इसका ऑप्शन बेस्ट बनता है कि अगर मैं 15C3 9 को एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, और या 15C6 को एक्सपेंड करता हूँ तो मेरा आंसर एक जैसा आता है, यानी यहाँ पे 15 फैक्टोरियल आएगा, 15 का 9 से डिफरेंस 6 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, और इसी तरह यहाँ पे 15 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल और 15 का 6 से डिफरेंस 9 फैक्टोरियल जवाब है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बेस्ट ऑप्शन होगा।